तो गाइज ये बड़ी अच्छी चीज़ लगती है कि मीवी हमारे लिए बजट फ्रेंडली TWS बहुत सारे निकालते रहता है, एक्सपेरिमेंट करते रहता है, डिज़ाइन चेंज करते रहता है। तो उसी तरीके से मैं एक और डिज़ाइन चेंज लेके आ गया हूँ मीवी की तरफ से, जो कि है मीवी डुओपॉड्स M30। एंड ये थोड़े बहुत ओप्पो इनको बर्ड्स जैसे दिखते हैं, कान के अंदर ही फिट हो जाते हैं, डंडी नहीं है इसके अंदर। सो चलिए इसको रिव्यू करते हैं और आपको बताता हूँ कि कैसा है ये। और मैं इसको 10-15 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, सो आपको बताता हूँ कैसा है। लेकिन उससे पहले ये जो लाल बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा वीडियो अच्छे लगे। तो चलिए चलते हैं। सो गाइस अब बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी एंड कंफर्ट की। तो बिल्ड क्वालिटी में इसका थोड़ा सा ओवल टाइप का शेप है, तो थोड़ा मोटा हो जाता है, बट पॉकेट वॉकेट में रखो ना तो थोड़ा सा ना उभरा हुआ लगता है, थोड़ा सा एज इन टाइट लगती है आपको पॉकेट। तो ये थोड़ा सा मेरे को गड़बड़ लगा, पतला वाला अच्छा रहता है थोड़ा सा, ये ऐसा फूल के थोड़ा मेरे को गड़बड़ लगा इस चीज़ के बारे में। और साथ ही साथ इसमें आपको बताया बिल्ड क्वालिटी ठीक है, इसका हिंज थोड़ा सा मेरे को लगा कि भाई टूट सकता है, बट ठीक है। और इसमें बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स भी आपका सही है एंड फिटिंग विटिंग में भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, थोड़ी देर के बाद आपको लगता है कि गिरेगा। मैंने तीनों एयर टिप्स लगा के देख लिए, इसमें आपको स्मॉल, मीडियम और लार्ज आता है, तो ऐसा लगता है कि गिर रहा है और आपको अच्छे से दबाना पड़ता है, फिर लगता है ढंग से। पता नहीं, मेरे साथ तो ऐसा ही हो रहा है, मे बी आप लोग के यहाँ फिटिंग अच्छी हो जाए। एंड साथ ही साथ बताएं तो इसमें पैसिव नॉइज़ कैंसिलेशन मिल जाता है कि फिटिंग अच्छी है, ऐसा दिक्कत नहीं है। जब फिटिंग हो जाती है तो बहुत अच्छी रहती है एंड आराम से आप सुन सकते हैं। तो वॉकिंग वगैरह में थोड़ा डर रहता है कि गिर जाएगा, तो मैं आपको रनिंग करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा इसके बारे में। और साथ ही साथ इसमें आपको IPX4 रेटिंग मिल जाती है, तो आपको स्वेट प्रूफ एंड ऑल हो जाता है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो अब बात करेगा कनेक्टिविटी की, तो कनेक्टिविटी में भी अच्छे हैं, लाइक आपको 5.1 ब्लूटूथ मिल जाता है और आप जब निकालेंगे केस से तब जाके ब्लूटूथ इनका चालू हो जाता है। एंड एक बार आप पेयर करने में टाइम लगता है, उसके बाद हो जाता है पेयर, लाइक 2-3 सेकंड लगते हैं बट पेयर हो जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती मेरे को। एंड आपका 10 मीटर तक की रेंज मिल जाती है, लेकिन इसमें डुअल पेयरिंग मोड नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। एंड आपको और तो सब कुछ सही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगी, नॉइज आपका डिस्कनेक्शन है सब ऐसा सच कोई मेरे को मिला नहीं, आराम से चलते हैं। बट हाँ, लेटेंसी वगैरह आपको मिलेगी, तो गेमिंग के लिए आपको मैं वायर्ड एयरफोन्स ही सजेस्ट करूँगा हमेशा। तो अब बात करें अगर बैटरी लाइफ और चार्जिंग टाइम की, तो इसमें आपको बैटरी लाइफ 42 आवर्स की क्लेम करते हैं विद केस। एंड चार्जिंग के लिए आपको इसमें 1 घंटे की चार्जिंग करेंगे तो फुल हो जाएगा, बट इसमें आपको microUSB पोर्ट दिया है। मतलब यार क्या इसके साथ ही ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा भी नहीं कि बहुत ही सस्ता है, ठीक है नॉर्मल जो होता है वही प्राइस है, एंड स्टिल इसमें microUSB, ये गलत किया। मतलब पीछे क्यों जा रहे हो, सब जगह टाइप सी जा रहे थे, इसमें क्यों microUSB, ये थोड़ा सा मेरे को गड़बड़ लगा। एंड अदरवाइज चार्जिंग वार्जिंग में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से चल जाएंगे, या 1 हफ्ते भी आप 2-2 घंटा भी यूज़ करोगे ना तो 1 हफ्ता तो आराम से चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बैटरी लाइफ में भी अच्छा चलता है। सो अब बात करते हैं मेन चीज़ की, जो कि आ जाता है ऑडियो क्वालिटी कैसी है। तो इसमें आपको 10.5 mm के ड्राइवर्स मिल जाते हैं और मैंने इसमें 320 kbps के ऑडियो फाइल्स में टेस्ट किया है। सो इसमें आपको जब बेस की बात करें तो बेस काफ़ी अच्छा है, बट बूस्टेड बेस नहीं बोलूँगा मैं, बेस काफ़ी अच्छा है, मतलब आपको मज़ा आएगा सुनने में। और अगर हम बात करें आपका मिड्स और वोकल्स की, तो वोकल्स अच्छे हैं, थोड़े से और इम्प्रूव हो सकते थे, अच्छे हैं। ट्रेबल्स कहीं ना कहीं खो जाते हैं, इसका बेस इतना अच्छा है कि ट्रेबल्स थोड़े खो जाते हैं इसमें, तो बैलेंस्ड ओवरऑल निकल के नहीं आता। लाउडनेस ऐसा बहुत अच्छी है, डिस्टॉर्शन ऐसा आपको फील नहीं होगा, आप फुल वॉल्यूम में भी सुनोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, ये बैलेंस नहीं कर पाता है, बट मज़ा आता है, मतलब एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है आपको सुन के। और इसमें SBC और AAC मिल जाता है, सो वैसे ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं इसके माइक्रोफोन क्वालिटी के बारे में। तो अब जो आप आवाज़ सुन रहे होंगे डायरेक्टली इसके मीवी डुओपॉड्स M30 के माइक से सुन रहे हैं, जो कि इसमें डुअल माइक्स लगे हुए हैं दोनों ईयरफोन्स में, तो मतलब कि थोड़ा अच्छा आना चाहिए नॉइस कैंसिलेशन, शायद अच्छा होना चाहिए, बट देखते हैं कैसी आती है आवाज़। आप लोग जरूर बताइएगा मुझे कमेंट्स में कैसी लगी आपको माइक्रोफोन क्वालिटी इसकी। तो गाइस अब टच कंट्रोल्स की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले आपका एक टैप पे प्ले, एक टैप पे पॉज, ठीक है, और डबल टैप अगर लेफ्ट वाले में करेंगे तो प्रीवियस हो जाएगा और राइट वाले में करेंगे तो आपका आगे बढ़ जाएगा। तो 1, 2 ये देखिए आगे बढ़ गया, ठीक है, और साथ साथ आप ट्रिपल टैप करेंगे लेफ्ट वाले में तो आपका गूगल असिस्टेंट आ जाएगा, 1, 2, 3 ये देखिए गूगल असिस्टेंट आ गया। और सीधा सीधा आपका वॉल्यूम अगर अप डाउन करना है तो ये दबा के रखेंगे तो वॉल्यूम यहाँ पे आपका कम होगा लेफ्ट वाले में, और राइट वाला दबा के रखेंगे तो आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। सो बस यही सब है इसके फीचर्स। और आपको कॉल वॉल उठाना है तो एक टैप पे कॉल उठ जाएगी और एक कॉल पे आपका कट हो जाएगी, और आप दबा के रखेंगे कोई कॉल को तो कट हो जाएगी। सो दैट्स इट, यही सब सिंपल आपके इसके टच कंट्रोल्स हैं जो कि अच्छे से काम करते हैं। और इसका आपका टच कंट्रोल्स का बेस थोड़ा सा बड़ा है तो ईजी रहता है आपको टच करने में, तो सही रहता है। सो बात कर लेते हैं इसकी सर्विस और वारंटी की। तो आपको 1 ईयर की इसमें वारंटी मिल जाती है, एंड सर्विस के लिए आपको इसको पहले मीवी की वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा, उसके बाद आप सर्विस के लिए दे सकते हैं। और आपको जब भी कोई प्रॉब्लम होएगी तो आपको मीवी के वेबसाइट पे ही रजिस्टर करना होगा, और साथ ही साथ आपका ब्लू डॉट का अगर पिकअप है वहाँ पे तो पिकअप हो जाएगा और फिर बाद में सही होके वापस आ जाएगा।
तो इस तरीके का है, इसमें कोई आपके प्रॉपर सर्विस सेंटर्स नहीं है ऑब्वियसली, छोटी सी कंपनी है, मेड इन इंडिया है, सो इसलिए। तो अब बात करते हैं कि भाई लेना चाहिए या नहीं। तो देखिए ये थोड़ा डिज़ाइन प्रेफरेंस हो जाता है, किसी को डंडी वाला पसंद है, किसी को ऐसा वाला पसंद है, सो वो आपके ऊपर है कि ये आपको गोल टाइप का चाहिए या फिर डंडी वाला चाहिए, पहले तो वो हो जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये नॉर्मल प्राइस पे आपको 900 रुपीज़ का मिल जाता है एंड सेल के टाइम पे ये 700 के आसपास चले जाता है। तो मेरे हिसाब से उसके हिसाब से ठीक है, मैं ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोलूँगा बुरा भी नहीं बोलूँगा, बट ठीक ठाक लगा मेरे को। मतलब आ जाते हैं ऑप्शंस, आपको इसी के अंदर ही और ऑप्शंस मिल जाते हैं मीवी के अंदर ही, तो मैं इसको बोलूँगा कि पास ही कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब ना ठीक है, अगर आपको चाहिए और आपको सस्ती डील मिल रही है लाइक 600-700 के आसपास तो बात अलग है, जा सकते हो, अदरवाइज़ मैं मना ही करूँगा, पास करो इसको और कोई ले लेना। मीवी का ही डोपॉट्स F70 एंड ऑल काफ़ी अच्छे हैं, तो इसको अभी रहने देते हैं। और भी अगर आपको TWS वगैरह चाहिए तो मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, आई बटन में आपको प्लेलिस्ट वगैरह मिल जाएगी और साथ ही साथ नीचे मैंने बहुत सारे लिंक दे रखे हैं, तो अगर आपको पसंद हो तो वहाँ से जाके क्लिक करके खरीद लीजिएगा डायरेक्टली। एंड दैट्स इट दोस्तों, बस उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, सब्सक्राइब आप लोगों ने कर लिया होगा, लाइक एंड शेयर कर देने का, वीडियो अच्छे लगे। आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय।